वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। फुल तैयारी है कल की, और जो कल का यह भारत बंद है ना, हिंदुस्तान का सबसे कामयाब और सक्सेसफुल बंद रहेगा। हाँ, मैं दो दिन से बाजार में जब घूमने जाते हैं, किसी दुकानदार के पास बैठते हैं, वो सब पहले से तैयार बैठे हैं। हमें शायद किसी को बंद करने की ज़रूरत बना कर नहीं पड़ेगी भाई, आप अपनी दुकान बंद कर लो। तो जितने भी दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, और चाहे कोई रेहड़ी वाले है या कुछ भी है, सब इस भारत बंद का हिस्सा बनने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। किस तरह की रूपरेखा रहेगी? कल 6 बजे हम पहले यहाँ आएंगे शंभू टोल प्लाजा पे, यहाँ पे रोड जाम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ रोड जाम करके 8 बजे अम्बाड़ा शहर की अनाज मंडी में जाएंगे। वहाँ से फिर अपनी रूपरेखा तैयार करके सारे बाज़ार में घूमेंगे। जो जिस भाई की कोई दुकान खुली होगी, उससे बेनती करेंगे, गुजारिश करेंगे, निम्रतापूर्वक तो उससे प्रार्थना करेंगे, भाई आप ये लड़ाई किसान की नहीं, लड़ाई सारे उस इंसान की लड़ाई है जिसको पेट लगा हुआ है, जो 2 जून की रोटी खाता है, ये उसकी लड़ाई है। हम ये जो काले कानूनों के खिलाफ़ लड़ रहे हैं, ये किसानों के खिलाफ़ नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी के खिलाफ काले कानून है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप हमारा सहयोग दें, इसमें आपका भला है, इसमें किसान का भला है, इसी में देश का भला है। हमारा तीसरा भारत बंद है, उन दोनों से ज़्यादा होगा। मैं आपको बताऊं, जब हमारा आज से 10 महीने पहले 26 नवंबर को जब ये मोर्चा दिल्ली के बॉर्डरों पे गया, डेड स्टेट का आंदोलन था, पंजाब का और आधा उत्तर हरियाणा का, आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में अपने पैर पसार चुका है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ SKM के नाम से बॉडी नहीं बनी हमारी, जैसे SKM उत्तर प्रदेश, SKM बिहार, SKM मध्य प्रदेश, इस तरह पूरे भारतवर्ष के अंदर बॉडी बन चुकी हैं और अपनी अपनी रणनीति तय कर दी गई है। कल मेन हाईवे बंद रहेंगे, रेलवे बंद रहेगी, लोकल रोड जो है, छोटे रोड जो गांव के हैं, उसकी हमने फैसला लेने के लिए स्थानीय लोगों के ऊपर छोड़ी गई है। अगर किसी रोड रोकने से किसी गांव वालों को परेशानी होती, किसी किसान को परेशानी होती है, वो ना रोके, और अगर किसी को परेशानी ना होती तो उसको रोका जाए। बाजार बंद रहेगा, ऑफिस बंद रहेंगे, हमने सभी कर्मचारियों से, व्यापारियों से, ट्रांसपोर्टरों से, दुकानदारों से सबसे प्रार्थना कर रखी है। हमने सरकारों का आए के कार खोल कर सुनवा, ये किसान 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, लेकिन आपकी औकात नहीं कि आप कानून वापसी ना दो। कानून वापसी भारत सरकार लेगी, आपको वापसी लेना हो तो आप ले लो, नहीं तो आने वाली सरकारें वापसी लेगी। जिनको भारत में राज करना होगा उनको कानून वापसी लेना होगा। ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, संघर्ष होगा। अगर किसान 10 महीने से वापसी नहीं आया तो आने वाले टाइम पे भी किसान वापसी नहीं आएगा। आपने गलत जगह पंगा लिया, आपने क्षेत्र का, दिल्ली के चारों तरफ बसने वाले किसानों का आपने मिजाज पढ़ लिया होता, ये तो हजारों साल से आंदोलन और लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आपने कहा अगर इतिहास पढ़ लिया होता तो आप ये काले कानून लेकर नहीं आओगे। आपने काले कानून लेकर आए, ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं। अब ये भारत सरकार सुनने कान खोल गए, इन कानूनों को वापसी ले लो, जितना जल्दी ले लोगे आपके फायदे में होगा, नहीं तो ये आंदोलन पूरे संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपके जहां जहां चुनाव होंगे, आपके चुनाव पे वोट की चोट करने का काम करेंगे।